अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान अली हसन। नाज़रीन आप देख सकते हैं उजरा शाम की में मौजूद उजरा शाम की मशहूर पार्क में आज कबड्डी होने वाली है। आप देख सकते हैं ये खिलाड़ी कबड्डी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पूरे पाकिस्तान से मशहूर तरीन खिलाड़ी आए। नाज़रीन हम मौजूद हैं हाजी मूसे खां गौरी, वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी हुजरा शाम कीम, और वो इस कबड्डी के सरपरस्ती कर रहे हैं। हम उनसे इस प्रोग्राम के बारे में बातचीत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे दोस्तों की एक टीम है जिसमें सरदार गुलजार अहमद डोगर साहब, मोहम्मद अकरम भट्टी साहब और मैनेजर फौजी मोहम्मद यार और उनकी मुकम्मल टीम और तमाम बिरादरियां, तमाम शहर की सियासी पार्टियां जिसमें अंजुमन ताजरान, किसान बोर्ड, सहाफ़ी, पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, शाह मुकीम ग्रुप, तामीर वतन ग्रुप, ये तमाम शहर का इवेंट है, तमाम शहर का ये कौमी खेल है, ये पंजाब का सकाफती खेल है। हमने पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए इसका एहतमाम किया, इब्तदा किए और लोग माशाल्लाह जौक दर जौक इसमें शामिल हो रहे हैं और शौक़ का इजहार कर रहे हैं और इसकी बड़ी पज़ीराई मिल रही है। अहलियान हुजरा के लिए ये बड़ी मुबारकबाद और खुशाइंद खबर है कि लोगों को, नौजवानों को एक बुरे खेलों से हटा के एक जो बुनियादी खेल है, जो हमारे विरासत है, जो हमारी सकाफत है, हमने उनका रुख मोड़ा है कि नौजवान नस्ल बजाय गेमों पे बैठे, बजाय जुआ खेले, बजाय वो शीशा पिए, बजाय वो मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करे, वो आए अपने आबा अजदाद के खेल को तरजीह दे, मैदानों की तरफ रुख करे और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे और पंजाबी और पाकिस्तानी होने का सबूत दे। चल भी अरफान फाद नंबर नहीं जान देता भाई। अब्दुल खार बकन की टीम का फाद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दा मैच देखते बड़ी खुशी हो रही है। इस तरह ने साडे क्योंकि असली रंग पंजाब दा कबड्डी है ते मैं इन्दे विच सलाम पेश करना हाजी मूसा नूं क्योंकि उन्हें बड़ी मेहनत करके आ कड़ा मेला सजाया है। इस तरह के खेल हमेशा होंदे रहने चाहिए ने। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। ਕੁਰਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀ ਕੁਰਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਤ ਫਰੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਨਾ ਤੋ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲਾ ਮੈਦਾਨ ਸੱਜੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੁਕਾਮੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਸਬਤ ਤਫਰੀਮ ਹੋਈਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆਬਾਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੰਗੀਰ ਖਾਨ ਗੋਰੀ। ਐ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਆ ਬਬੀਓ ਆ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਐ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਲੈ ਬਈ ਆ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਬਈ।
अरशद अहमद अरशद ना दिया ताड़ियां यार ने जवाना ने और जिन्हें अरशद वाजी वाजिदा बाद शाबाश अब तेरी खैर हो गई आप चौन भजाई खड़ा भाई मोहम्मद अबराम चार चाठी शहीन की नजर के नाम खड़न की कोशिश पता लग जाता है तेरी खैर ये पकड़ना ना करे जवान बी मैं आज की टूर्नामेंट जो कबड्डी का पंजाब की जो असल स्पोर्ट है पंजाब का जो असल खेल है और हमारी कल्चर का एक हिस्सा है मैं हाजी मूसा खां और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हुजरे में ये इवेंट करा के कबड्डी का टूर्नामेंट करा के लोगों के लिए एक तफरी फराम की बल्कि जो हमारे वीरान मैदान थे उनको सजाया उनकी रौनकें बहाल करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया और इंशाल्लाह इस तरह की कबड्डी के हवाले से टूर्नामेंट बार बार मुनक्कद होते रहेंगे हम इनकी हौसला अफजाई के लिए तमाम दोस्त इधर मौजूद हैं हम इंशाल्लाह दोबारा भी पार्टिसिपेट करेंगे जब भी हमें मदू करेंगे हम भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे तो पाकिस्तान का रवायती खेल था पंजाब का कल्चर था वो आहिस्ता आहिस्ता पंजाब से ख़त्म होता जा रहा था लेकिन गुजरात शाम की टीम में हाजी मूसा खां गौरी की क़यादत में चंद एक दोस्तों ने इस पे मेहनत की और आज ये मेला जो सजा हुआ है ये बहुत ही कमाल का मेला सजा हुआ है और लोगों में जोश खरोश बढ़ता जा रहा है उम्मीद है कि ये सिलसिला जारी रहेगा कैमरे वाले सा ला लो दूर आ जाओ यार उन्होंने मैच ना देख आफ़ज़ इमरान दिया ताड़िये यार आफ़ज़ इमरान एक तो ना दे
अक्रम और रह गया नंबर अक्रम। अक्रम दे तोड़िए यार, अक्रम असलामु अलैकुम जनाब। आज साहबरान की बड़ी अच्छी कावश है जनाब कि बड़ा अच्छा इवेंट हो रहा है जी। माशाल्लाह जी बड़ा क्राउड बड़ा आया है, बड़ा जो है इंजॉय करते पे हैं। बड़ी अच्छी गल है जी, इन्हे नाल साडा जो है ना जी अस्पताल वैरान हो जाने ने, साडे ग्राउंड आबाद हो जावनगे। ये हाज साहब की बड़ी अच्छी कावश है जी। अल्लाह पाक इन्हां नूं साडे ते सलामत रखे जी। बड़ी अच्छी इन्हां दी कावश है जी। जवान जा रहे सलीम लै बई सलीम का पिंड मेहमान राणा नादर नासर कोक आला मलक अलियां खुलरवान शाबाश आने वाले नौजवान वेरी गुड है साजा पर शायद कौमी फिकर असि उन्होंने जी आया कहने आजाद अहमद गुजर साहब जनाब
सैयद हसनाथ शाह साहब और बाबा कोक्सा जी आया नो, जनाब हसनैन गलानी साहब नो जी आया नो, सरदार अरशद हसन जफर खुलरवान असि उन्होंने जी आया नो कहने साडे मलियाले दोस्तों का गुजारिश है कि मेहमाना बिठाओ, मेहमाना बिठाओ, आजाद अंत गुजर अड़कली अंत फुलर वाला जी रोड बने ने। हाँ जी यार अपने पास बह जाऊंगी है यार, थोड़ा चलो ये होगा मेहरबानी यार मेहरबानी। राय मुश्ताक अंत खर सरदार अमजद हसन डोगर चलो जी अकरम अकरम एतरी खैर लस लस कर दे पिंडे साडे शेरां दे, लस लस कर दे पिंडे साडे शेरां दे। उधरे दे विच कौमी टीम दा आगाज बानी अजी मुसा हजारी जी शाबाश फाद फाद पंजार फाद तू कहते नंबर कले ने लेने लिया यार बैठ जाओ यार यार थोड़ा जहा इंजन हो जाओ मेहरबानी यार माड़ा माड़ा मेहरबानी करो इधर आ जाओ। हाँ अगले पास डा जो इतने अगले पास डा जो डर नहीं यार डा बाबू जी इधर क्या भाई आइए मामा तेरी खैर अजी साहब पलवाना असल पोजिशन च लियो अजी मुसाफा गौरी है तेरी खैर आ तो बेचारे जाथी अगे लाई खड़ा है उठ मैं अजी मूसा खां गौरी साहब का और अकरम भट्टी का दिल दे था ग्राइयां तो शुक्रिया अदा करना कि जिन्ना है ग्राउंड है मेला सजाया साढ़े शहर वास्ते सानू लोगों एक बड़ी वड्डा इंजॉय का जिहड़ा माहौल दिता और ये जिहड़ी कबड्डी है साड़ी एक गेम सकाफती गेम है ये होनी चाहिए है और इनू मैं अजी साहब अगर गुजारिश करांगा कि इनू परमानेंट तरीके होना चाहिए मेहरबानी शुक्रिया। नाजरीन हम तमाशाइयों से पूछेंगे कि उनको ये मैच कैसा लग रहा है। जी सर यार बहुत बहुत नज़ारा आता है मज़ा देखना आता है बस नज़ारा आ रहा है आपको तो और क्या आता पे आएगा मज़ा आ रहा है ध्यान करो अजी मुसा हजारी साहब अकरम भट्टी साहब ध्यान
नाजरीन आप देख सकते हैं कि ये नौजवान पूरे मैच में अच्छा प्लेयर है और इसने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और हम इनसे बातें करेंगे और ये आपको बताएंगे कि ये कैसे खेले हैं और इन्होंने कैसे नंबर वन पर पोजीशन आई है इनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी सब मेहनत का सिला है, जो इंसान जितनी मेहनत करता है उसका उसको उतना फल मिलता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोच हैं जो उस्ताद मोहतरम हैं, उन्होंने मुझे सुबह शाम अच्छी ट्रेनिंग के साथ और मैंने अपनी केयर की है अच्छी खुराक के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैन ऑफ द मैच आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत मिली है। आप देख सकते हैं ये मेरे पास खिलाड़ी खड़े हैं, ये हारने वाली टीम है, ये हारने वाली टीम नहीं है बल्कि ये जीतने वाली टीम है, हार से ही बंदे को सीख मिलती है। इनसे बात करते हैं और ये अपने इजहार ख्याल आपसे करते हैं, क्या करना है? चलो जी करो जी। गेम बड़ी सोहनी हुई, साढ़े खिलाड़ी जड़े सन सारे की तैयारी बिल्कुल सही थी, लेकिन हार जीत नसीबा की किस्मत की गल है, मुंडे साढ़े भी बिल्कुल सही सन, उन्होंने भी सही सन। ठीक है भाई, हूँ साढ़े सन बेस्ट सही है सन, लेकिन इन्हों की दो दिन पहले शादी हो गई जिंद वजह तो ये खेल नहीं सके। ठीक है, इस वजह तो अभी पहले अभी जिन्हें मैच भी खेले हैं हारे हैं। ठीक है, अगे वाली थानू गल है दोस्त सुना ये कबड्डी के बारे में बताऊंगा कि कबड्डी कैसा खेल है, जीते हैं। ठीक है, हार जीत तो होती रहती है लेकिन खेल के मतलब बताऊंगा खेल के फायदे कितने हैं और नुकसान कितने हैं। जैसे कि आज के नौजवान पबजी टिकटॉक वगैरह बना रहे हैं, इनके अलावा अगर ये ऐसी एक्टिविटीज में आ जाएं कबड्डी जैसे खेल में फुटबॉल में, तो खेलने इंसानी एक्टिविटीज के लिए सेहतमंद रहने के लिए बहुत अच्छा एक फार्मूला है जो कि इंसान को बीमारी से भी बचाए रहता है और तमाम बुराइयों से भी बचाए रहता है। ये मर्दों का गेम होता है, अगर इंसान इस गेम में ऐसी एक्टिविटीज में शिरकत करता रहता है तो बुराइयों से भी बच जाता है। और ये खेल ऐसा खेल है जिसमें इंसान अपना बुढ़ापा भी संभाल सकता है, जितना अच्छा नौजवान होगा उतना उसका बुढ़ापा आस्ता आस्ता डलेगा, उतनी वो ताकतवर उसकी जान होगी, उतना उसका जिस्म अच्छा होगा। वस्सलाम।